अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों पर सलामती हो, आप लोगों के बर्ड्स पर सलामती हो। आप लोग ठीक रहे हैं, आप लोगों के बर्ड्स ठीक रहे हैं। दोस्तों तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरे सामने इंक्यूबेटर पड़ा है, ठीक है। ये इंक्यूबेटर खुद बनाया हमने, मतलब मैंने और मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मिलकर बनाया है। तो जिस तरह की आप ये देख रहे होंगे टेम्परेचर किट है, टेम्परेचर किट का फिलहाल टेम्परेचर ऊपर हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से बल्ब ऑन नहीं। तो जब बल्ब ऑन होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अंदर से इसकी मेकिंग की जो वीडियो है इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूंगा। तो ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता चलूं, पहले ऊपर से देख लें कि अंडे हैं ऊपर, जो से 24 अंडे लगे हैं। ट्रे भी खुद बनाई है हमने और जाली भी खुद बनाई है, और ट्रे को हमने लकड़ी के साथ मतलब फिक्स किया हुआ है। और ये आप लोगों को भी मैं खोल के दिखाऊँगा ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखें, ये ट्रे है, ठीक है। ये ऊपर अंडे पड़े हैं, ये ऊपर अंडे, मतलब ये जो ट्रे है आपको देख रहे होंगे अंदर लकड़ियाँ, ये भी खुद बनाई है। और नीचे जो सी जाली है वो प्लास्टिक की है, और अगर आप लोग नीचे देख सकते हो तो नीचे पानी रखा है, और यहाँ पे साइड से नीचे भी अंडे रखे हैं क्योंकि अंडे काफ़ी हो गए थे। फिलहाल हमने इस साइड पे खुद नहीं रखे ताकि अच्छे सही तरीके से बांध हो जाए और कुछ स्पेस भी रहे, हम इनको रिवॉल्विंग भी सही तरीके से कर सकें। तो ये छोटा सा एक आपको बताना था कि इंक्यूबेटर हमने खुद बनाया है, ज़्यादा देर नहीं खोलूँगा ताकि टेम्परेचर ना ख़राब हो। इसमें फ़ैन भी लगा है जो प्रॉपर होता है सिस्टम। ये देखें, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब होल्डर जिसे है पूरा, अंदर ये बल्ब लगा है, नीचे से इन्हें हीटिंग मिलती है, सेंसर इनके दरमियान में पड़ा है, और ये हमारा फ़ैन है, ठीक है। फ़ैन भी अंदर चल रहा है ताकि पूरे तरीके से अंडों को हवा लगे, मतलब पूरी ह्यूमिडिटी जो होती है अंडों को लगे। और ये हमारे अंडे हैं, ट्रे बड़ी अच्छी है, मतलब मुझे भी लगी, और आप लोगों के साथ भी आइडिया शेयर करूँगा। जो ट्रे है आप लोग भी इस तरह की बनाएं ताकि रिवॉल्विंग, इस तरह के जब आप अगर टब लें तो टब के अंदर ही कोई और जब बनाए तो ये ट्रे खुद बना लें, ट्रे मुश्किल नहीं है इतने बनानी है। देखें अब लाइट ऑन हो गई है, तो ये नीचे भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये पड़ी है वो हमारी कोली जिसके अंदर पानी है, पानी के अंदर कपड़ा डुबाया हुआ है, ग्लव है ताकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बन सके। ये बल्ब है, बल्ब बिल्कुल पास ताकि वो नमी बनाता है। उस तरफ फ़ैन है हमारे, ये जो उनसे फिक्सिंग है 35.5 के ऊपर है, मतलब स्टार्ट होता है और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 37.5 का डिफरेंस है बीच में, 35.5 से स्टार्ट लेकर 37.5 के बीच में है इसका ये, और मतलब 36 ही देख लें, अभी 36.9 हुआ था तो साथ ही बंद हो गया, मतलब 35.5 से लेकर 36.9 तक का इसका डिफरेंस है। तो ये एक इंक्यूबेटर था, आप लोगों के साथ इसकी पूरी अभी एक छोटा सा अभी है, अभी डिटेल में इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को इसकी वीडियो शेयर करूँगा कैसे, मतलब अंडे जो उनसे आप लोगों के इनकी अपडेट देता रहूँगा। माशाल्लाह ज़रूर आप लोग बोलना माशाल्लाह, ये सारी मेरी घर की होम ब्रीड हीरा असील मियाँ वाली की है, हीरा असील मियाँ वाली जो आप लोग अक्सर मेरी वीडियो में देखते होंगे। उसके ऊपर 24 अंडे हैं, ठीक है, नीचे जो उनसे हैं वो तकरीबन 6 अंडे हैं, ठीक है। तो मतलब ये लगभग 30 और के करीब है मेरे ख्याल से, 32 या शायद कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, एक दो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो क्योंकि मैंने नहीं रखे, मेरे भाई ने लगाए अंडे, तो उन्हें पता है। तो अब मैं आपको कॉस्ट का एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, मुझे 600 का टब पड़ा है, और जो सी किट है मतलब मैंने ली थी 1100 के करीब किट पड़ी है मुझे। और जो फ़ैन इसकी मतलब असेंबलिंग है वो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कही तो वो मैंने असेंबलिंग कराई थी, वो भी मुझे 150 रुपये की असेंबलिंग जो सी जा रहा है, इसका सर्किट बनाना था वो मैंने करी, जो उनसे वो 150 रुपये किया जो उनसे सर्किट बना, ठीक है। और ये जो ट्रे है, ट्रे और ये जाली वगैरह है, ये लकड़ी अगर आप ले लें तो लकड़ी कह लें कि लकड़ी के ऊपर आपके 100 से 150 का खर्चा आ जाएगा, और जो जाली का पीस है ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा, इतना महंगा नहीं है। अगर आप खुद बनाए घर में इंक्यूबेटर, लकड़ी वाला भी इंक्यूबेटर जो उनसे बाजार से मिल जाता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। उसका रिज़ल्ट हमने पहले जो पिछले साल लगाया था उसका रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, इस दफ़ा ये हमने लिया है और ख़ुद बनाया, और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने जानवरों का, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।